उर्दू राइटर्स फोरम द्वारा आयोजित शरईवेती चरईवेती पुस्तक के संगोष्ठी के कार्यक्रम में सदारत कर रहे हैं प्रोफेसर शारिफ रुदौल जी साहब। मेहमान ए खुसूसी डॉक्टर अमर रिजवी साहब। मेहमान ए जुकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फजले इमाम साहब। शरईवेती के अनुवादक और लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्रमुख और मेरे मित्र डॉक्टर अब्बास रजा नैयर साहब। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस पी सिंह साहब। पद्मश्री प्रोफेसर मोहतरमा असीफा जमानी। कार्यक्रम के संयोजक उर्दू राइटर्स फोरम के वकार रिजवी साहब। पुस्तक के प्रकाशक गुटेनबर्ग कंपनी के श्री जुल्फी सैयद साहब। आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार मित्र, बहनों और भाइयों, मुझे बेहद खुशी है कि शरईवेती चरईवेती के उर्दू संस्करण के संगोष्ठी में आपने मुझे बुलाया और सबके भाषण सुनते सुनते मुझे भी लगने लगा कि मैं भी कोई बड़ा लेखक बन गया हूँ। और ऐसे कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए और उसकी सदारत करने के लिए मैं डॉक्टर शरीफ रुदौली साहब और संयोजक वकार रिजवी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इतने लंबा कार्यक्रम चलने के बाद भी आप सभी यहाँ रुके हैं, इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। मैंने सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि मैं लेखक बनूंगा। राजनीति में बहुत साल था साथ हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं राजनीति में क्या लिखता था तो दो बातें मैं लिखता था। एक जो अखबार को देने के लिए प्रेस स्टेटमेंट होता है तो मैं खुद का प्रेस स्टेटमेंट खुद मैं बनाता था, और दूसरा जनपति के जनपद प्रतिनिधि के नाते, फिर विधायक हो लोकसभा सांसद हो, तो मैं एनुअल रिपोर्ट मतदाताओं को मतदाता के जिम्मेदारी के तहत देता था, अकाउंटेबिलिटी टू द वोटर्स के तौर पर। ये दो ही बातें मैं लिखने का काम करता था, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं लेखक बन जाऊं। और वैसे ही मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बन जाऊं। तो न लेखक बन जाऊं न राज्यपाल बन जाऊंगा, और फिर ये भी नहीं सोचा था कि जो मराठी में किताब बन गया है उसका उर्दू में अनुवाद होगा, भाषांतर होगा, ऐसा भी नहीं सोचा था। और फिर किताब विमोचित होने के बाद यह भी नहीं सोचा था कि मेरे किताब पर उर्दू जानने वाले इस प्रकार के संगोष्ठी करेंगे, यह भी मैंने सोचा नहीं था। तो ये मेरा सपना जो बिल्कुल था ही नहीं, वो ऐसा साकार हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको बड़े दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये जो चरईवेती चरईवेती बना, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको थोड़ी उसकी जन्म कथा बतानी चाहिए, क्योंकि ये जन्म कथा भी ऐसी है। महाराष्ट्र में सकाळ करके
मराठी भाषिक डेली है। अब लगभग आपको जान मालूम है कि मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मैं आंकड़े हिंदी में नहीं कहूँगा क्योंकि उल्टा सुलटा हो जाता है। तो अब वह सकार दैनिक जो है उसकी स्थापना 1932 में, मतलब अब 84 साल का वो अखबार, तो उन्होंने हम चार लोगों को कहा कि आप अपने संस्मरण लिखिए, और जैसे अखबार वाले के होशियार होते हैं तो उन्होंने चार पार्टी के चार लोगों को चुना। नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी, वो महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी रक्षा मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। फिर कांग्रेस पार्टी के सुशील कुमार शिंदे जी, वह भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी गृह मंत्री थे और आंध्र प्रदेश में राज्यपाल भी थे। फिर तीसरे उन्होंने सोच निकाले शिवसेना के मनोहर जोशी, वह भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी मंत्री थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। और चौथा मैं, अब पुराना बीजेपी वाला, क्योंकि मैं राज्यपाल बन गया तो राज्यपाल की शपथ लेने के पहले ही मैंने बीजेपी से इस्तीफा देकर जिंदगी का जो रिश्ता था वो इस काम के लिए मैंने तोड़ दिया कहिए या बाजू में कर दिया कहिए। मैं कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी में एक सीनियर इस भूमिका में उन्होंने मुझे कहा। मैंने उनको यही कहा कि भाई मैं कोई लेखक नहीं हूँ, और जैसा आपको बताया कि मैं प्रेस स्टेटमेंट और रिपोर्ट छोड़कर मैंने कुछ लिखा नहीं है। वो बोले यार देखिए आप नहीं लिखोगे तो फिर लोग कहेंगे कि इसमें नेशनल कांग्रेस पार्टी का आ गया है, कांग्रेस पार्टी का आ गया है, शिवसेना का आ गया है और बीजेपी वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगा कि भाई मेरा इतिहास का ही मुझे लिखना है तो मैं लिखूं, और फिर मैंने लिखा। ये सीरीज एक साल चली, हर रविवार को जो सप्लीमेंट होती है रविवार की, एक रविवार को शरद पवार जी और मनोहर जोशी जी का आता था, तो उसके बाद के रविवार को सुशील कुमार शिंदे जी और मेरा आता था। तो ऐसा एक साल चला, उसके 27 आर्टिकल्स हो गए। और फिर कईयों ने कहा कि भाई साप्ताहिक में आता है लेकिन एक साथ पढ़ने के लिए उसका किताब बनाया जाए तो अच्छा होगा। मुझे भी लगा कि ये कल्पना तो ठीक है, लिखा है, सब रेडीमेड मसाला है, खाली उसको किताब में डालना है। तो मैंने हाँ कह दिया, और मैंने हाँ कहने के बाद जो मुझे अनुभव आया वो इसके पहले कभी भी मुझे भी नहीं आया था, कि कईयों ने कहा कि भाई किताब बहुत सुंदर हो गया है, बहुत सुंदर हो गया। अब जब मराठी में इसकी चर्चा होने लगी तो फिर आप जानते हैं मुंबई कैसा शहर है, मुंबई तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और मुंबई में हर प्रदेश के, और इतना ही नहीं तो हर प्रदेश के हर गांव के कोई ना कोई रहता है। तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए आप 3 बार सांसद बने, विधानसभा के सदस्य बने, 5 बार सांसद बने, हमने भी आपको चुन कर दिया है, हमने भी आपको देखा है, तो इसका हिंदी में भाषांतर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में मुंबई में रहते हैं। तो फिर गुजराती भाई बहन आगे आए, उन्होंने कहा कि गुजराती भी हम यहाँ रहते हैं। फिर कुछ लोगों ने, साउथ इंडियन ने कहा कि भाई कम से कम आप अंग्रेजी में भी बनाओ। ऐसा करते करते 3 भाषाओं में ये करने का सोचा जा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि भाई मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, राज्यपाल हूँ, और उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा उर्दू है, और ये उर्दू भाषा खाली कागज़ में ही लिखा हुआ है कि ये दूसरी भाषा है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरा अनुभव, मैंने अभी अभी राजभवन में कोई भी बाहर बोर्ड नहीं था, और बोर्ड नहीं था तो मैंने कहा कि भाई बोर्ड लगाओ,
वहां गेट नंबर एक क्या है, गेट नंबर दो क्या है, कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो हमारे अधिकारी लोग कहते थे भाई गेट नंबर दो पर आओ। अरे मैंने कहा भाई गेट नंबर दो कहाँ है, नंबर तो उस पर लगाओ। और राजभवन का भी बोर्ड नहीं था, तो फिर मैंने कहा कि भाई बोर्ड बनाओ। और जब उन्होंने बोर्ड बना के लाया तो मैंने कहा भाई आपने इसमें हिंदी और अंग्रेजी रखा है, तो मैंने कहा कि भाई इसे उर्दू क्यों नहीं, उर्दू भी उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है। तो ये जो बोर्ड बन गया उसमें अभी उर्दू आ गई। तो आपको आश्चर्य लगेगा, उसे कम से कम 100-125 लेटर आ गए कि भाई आपने कम से कम उर्दू को राजभवन के बोर्ड पर स्थान दिया है, इसलिए आपका हम अभिनंदन करते हैं। ऐसे कई लेटर कई फोन आए, और फिर मुझे लगा कि उर्दू में करने का जो सोच रहा हूँ वह बराबर है, और चार भाषाओं में भाषांतर हुआ। भाषांतर करने वाले की जो विशेषता होती है इसका मैंने अनुभव लिया। तो जब ये बात आई कि भाई मराठी का उर्दू करने के लिए किसको कहे, तो फिर आसान नहीं था। तो मैंने प्रोफेसर निमसे, उस समय पर वाइस चांसलर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के, तो मैंने उनको कहा कि क्या ऐसा कोई मिलेगा क्या कि मराठी का उर्दू करेंगे। वो बोले ये थोड़ा मुश्किल है, और मैं तो यहाँ ही करवाना चाहता था। तो फिर उन्होंने कहा कि एक उर्दू लिखने वाले अच्छे हैं, भाषा है हमारे उर्दू विभाग के प्रमुख है नैयर जी का, उन्होंने नाम कहा। तो फिर मैंने नैयर जी को, जो मराठी से हिंदी भाषांतर हो गया था और उसका जो ड्राफ्ट बनाया था, तो हमारे घर में चर्चा चल रही थी कि भाई हिंदी का भाषांतर अनुवाद बहुत अच्छा बना है, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये हिंदी में क्या है वह दीजिए। तो फिर अनुवाद करने के लिए दिया। अब अनुवाद करने के बाद फिर उसका एक प्रकार का एडिटिंग होता है, और एडिटिंग के लिए जब शारिफ रुदौली जी और फजले इमाम जी ने भी इसमें अपना सहयोग दिया, तो और नैयर जी की जो कला है वो आप सुन ही रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ, क्या शब्दों पर एक कमांड उनकी है, उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से किया। लेकिन उसको भी और अच्छा करने का काम इन दोनों ने एडिटिंग किया। फिर बात ये आई कि भाई इसको प्रस्तावना कौन लिखे, क्योंकि मराठी की प्रस्तावना जिन्होंने लिखी उसका ट्रांसलेशन करना तो अच्छा नहीं है। फिर हिंदी की जो किताब बन रही थी उसकी प्रस्तावना लिखी अभी जो इस समय पर गोवा की गवर्नर है मृदुला सिन्हा जी, हिंदी की जानी मानी लेखिका है, उन्होंने भी भाषांतर किया था। तो हमने उनको वह प्रस्तावना दी। और फिर मैंने अमर रजवी जी को एक दिन कहा कि भाई देखिए ये उर्दू आप कह रहे हैं कि, क्योंकि उन्होंने उस प्रस्तावना में भी लिखा है, आपने जिन्होंने किताब लेकर नहीं अब तक नहीं लिया वो जरा खरीद कर ले लो, तो गुटेंबर्ग को भी लगेगा कि भाई किताब पढ़ने लायक है, और मुझे विश्वास है कि आप सबको भी लगेगा कि किताब तो खरीद कर पढ़ना ही चाहिए। तो अमर रजवी को मैंने हिंदी का किताब दिया, तो उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिख दी। और मतलब ऐसा होते होते जब मैंने वो उर्दू की प्रस्तावना और एक चैप्टर मेरे पत्नी को मैंने कहा भाई पढ़कर दिखा है कि कैसा हो उर्दू का लगता है, तो मेरे पत्नी ने मुझे कह दिया कि मैं कोई हिंदी जी पढ़ा नहीं हूँ, अभी बोलता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी हिंदी में एमए हुई है, शिक्षिका भी रही है। तो उन्होंने कह दिया कि देखिए मराठी में आपने जो लिखा है उससे हिंदी अच्छा भाषांतर हुआ है, और ये हिंदी में से जो हुआ है उससे उर्दू अधिक अच्छा हुआ है। मैंने कहा भाई, तो बोले नहीं आपने जो किया है वो बराबर है, लेकिन ये जो शब्द है, ये शब्द की जो ताकत है, ये शब्द की ताकत जिस प्रकार से उन्होंने किताब में लाई है, और ये सारा काम करते समय जैसे उन्होंने कहा कि हमारे राजभवन के कार्यालय में काम करने वाले अंजुम नजवी और उनके सभी सहयोगी हैं, क्योंकि मराठी किताब मुंबई में, हिंदी किताब का
टाइपिंग मुंबई में, तो वहाँ से यहाँ आए करे और इस भूमिका में ये जो बताए, तो फिर ये आया कि भाई उर्दू में कोई किताब, मेरा किताब, क्योंकि मैं तो लोगों के नज़र में पक्का आरएसएस वाला हूँ, पक्का जनसंघी हूँ, पक्का बीजेपी वाला हूँ, तो मेरा किताब कोई प्रकाशन करने के लिए तैयार होगा क्या? तो उत्तर प्रदेश में आने के बाद मेरी भी कुछ बातों की जो समझ थी उसमें बड़ा परिवर्तन आया। तो गुटेनबर्ग वाले मेरे पास, तो उन्होंने कहा भाई हम करेंगे, हमारा ये व्यवसाय है लेकिन उर्दू को बढ़ावा देने का काम आप कर रहे हैं। तो उन्होंने किताब प्रकाशित करने का भी मान लिया। और मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख को यहाँ किताब का विमोचन हो गया लखनऊ में। उस कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे, फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे, डॉक्टर अम्मार रिजवी का भी बहुत बड़े सुंदर जोरदार भाषण हुआ, मुलायम सिंह जी भी प्रेक्षक के नाते वहाँ आए थे। तो अम्मार रिजवी जी ने बात करते करते, उनका एक ढंग है अलग से है, तो उन्होंने मुलायम सिंह जी को कहा कि कोई भी तूफान आता है तो आप उसे टकरा, बहुत अच्छे ढंग से टकराते हैं, और इतना ही नहीं तो कोई नहीं है तो आप तूफान भी खड़ा कर देते हैं। ये ऐसा कहने की हिम्मत अम्मार रिजवी जी ही नेताजी के बारे में कर सकते हैं। तो ये किताब होने के बाद, विमोचन होने के बाद, मैंने कल यहाँ कार्यक्रम चल रहा है तो गुटेंबर वालों को पूछा कि भाई क्या है, कैसा है। तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने बहुत किताब प्रकाशित किए हैं, लेकिन इस किताब का जो, और ये ख्याल में रखिए कि 11 तारीख यहाँ 11 तारीख को हुआ और 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में हुआ, और देश में नोटबंदी का जो घोषणा है वो 8 तारीख को हुई थी। अब 8 तारीख को घोषणा होने के बाद भी 11 तारीख को यहाँ किताब हुआ, और आज तक नोटबंदी की तकलीफ कुछ मात्रा में होते हुए भी उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा किताब इतने छोटे दिन में यदि उनको कोई लोगों ग्राहकों ने लिया है तो ये चरैवेति चरैवेति है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो ऐसा मुझे लगता है कि हम कहते हैं कि भाषा जोड़ने का काम करते हैं, तो भाषा कैसे जोड़ने का काम करती है, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, अंग्रेजी हो, इसका एक अनुभव यहाँ मिला। और इसलिए ये किताब बनाने में जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया उनको मैं धन्यवाद तो देता हूँ, लेकिन जो ग्राहक है जिन्होंने किताब खरीद लिया है उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और जो आने वाले दिनों में खरीदने वाले होंगे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज की ये चर्चा तो सोने को सुहाग जैसी बन गई। आप कितना सुंदर, यानी बोलते हैं कि दूध में आप शक्कर लगा मिलाओ तो बहुत मिठास आती है, और शक्कर में खुशबूदार केसर भी आप डालें तो और सुंदर हो जाता है। ऐसा सुंदर आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ, और ये कार्यक्रम का इनिशिएटिव जिस प्रकार से उर्दू राइटर्स फोरम ने लिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ बातें बोलते बोलते लोगों को एक स्वभाव भी होता है, और ऐसा मंच भी होता है कि यहाँ पर कुछ सुझाव दें, तो सुझाव के बारे में कुछ कहना, सुझाव देना और फिर सुझाव के बारे में क्या कहा जाता है वह सुनना, यह भी एक दर्शकों के मन में उत्सुकता होती है। लेकिन मुझे ही जो लगता है कि ये सारा करते समय मैंने जो भूमिका ली वो भूमिका दो है, एक तो उर्दू, हिंदी, मराठी, ये सभी अपने देश की भाषाएं हैं और ये सभी राष्ट्रभाषा है। जो संपर्क देख दृष्टि से संपर्क की सबसे बड़ी भाषा कोई होगी तो हिंदी है, और हम सब जानते हैं कि भारतीय भाषा का मूल जो है, मातृवत जो है, वो संस्कृत है, और ये बड़ी बहन हिंदी जो है वो फिर उर्दू है, गुजराती है, मराठी है, वो सबका
ख्याल करने का काम हिंदी का है, लेकिन मेरे नज़र में उर्दू भाषा की जो विशेषता है वो यह है कि उर्दू यह प्रदेश के देश के लगभग सभी प्रदेशों में बोली जाती है। अब मैं मराठी भाषिक हूँ तो मराठी भाषा कुछ मात्रा में महाराष्ट्र में, थोड़ी गुजराती में, थोड़ी मध्य प्रदेश में चलती है, यहाँ भी इक्का दुक्का कोई मराठी भाषिक हो, लेकिन उर्दू ये भाषा ऐसी है कि देश में सभी प्रदेशों में बोली जाती है, लिखी जाती है, और इसलिए हिंदी के बाद सबसे अधिक प्रदेशों में जो भाषा जानी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है वह उर्दू है। और उर्दू में जो एक जोश है, ये जोश सभी भाषाओं में अपने अपने तरीका रहता है, अच्छा अच्छा कवि रहते हैं, गाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन उर्दू का जो जोश है और जज्बा है, मैं मानता हूँ कि अन्य भाषाओं में किसी का मैं अवमानना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उर्दू उर्दू है, और इसलिए मुझे ये तो ईर्ष्या होती है कि भाई ऐसा मुझे भी बोलने के लिए आए तो कितना अच्छा होगा। अब कोशिश धीरे धीरे करूँगा, लेकिन ये उम्र में क्या 82 उम्र में कोई नई बात सीखना आसान होता है क्या? लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखूँगा। लेकिन उर्दू को उत्तर प्रदेश में एक सम्मान मिल जाए, इस प्रकार की भूमिका में राज्यपाल के नाते मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ लोग भाषा को धर्म से भी जोड़ते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बात भी कोई बराबर नहीं है, वस्तु स्थिति से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो हिंदू धर्म वाले हैं उसमें से ही मुंशी प्रेमचंद है कि जिन्होंने फिराक गोरखपुरी है, गोपीचंद नारंग है, राजेंद्र सिंह वेरी है, ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने उर्दू मतलब एक धर्म के हिसाब से बोलना है तो मुसलमान धर्म के लोगों से भी अच्छी भाषा में लिखा है, और इसलिए कोई भाषा एक धर्म के साथ जुड़ी हुई है ऐसी बात होती नहीं है। आज भी इंग्लैंड में जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अंग्रेजों के शब्दों के उच्चार अंग्रेजी भाषा के और भारतीय लोगों के अंग्रेजी उच्चार, वो बोलते हैं कि भारतीयों के अंग्रेजी उच्चार, अंग्रेजी बोलने का ढंग यह अंग्रेजी लोगों से अधिक अच्छा होता है, और इसलिए कोई भाषा एक धर्म के साथ, प्रदेश के साथ जोड़ना ये मुझे लगता है कि गलत बात है। और इस भूमिका में यह जो किताब प्रकाशित हुआ है उसका जो स्वागत हुआ है वह मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सबको जोड़ने वाला काम करते हैं, और इसलिए यह किताब ने मेरे जीवन में तो कई लोग नए नए आए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि इसी प्रकार और कुछ सरकारी संस्था है कि जो प्रोत्साहन देना चाहती है अलग अलग भाषा के जो अच्छे ग्रंथ होंगे वो दूसरे भाषा में प्रकाशित करने का, केंद्र का भी इस प्रकार की संस्था है, राज्य सरकार की भी इसी प्रकार की संस्था है, लेकिन ये काम और आगे बढ़ाना चाहिए, और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरी भाषा का अच्छा अच्छा साहित्य अन्य भाषाओं में आ जाएगा, और फिर उसके कारण हमारा साहित्य है, साहित्यिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, वो अधिक संपन्न हो सकता है। और इस भूमिका में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूछा राष्ट्रपति भवन में भी, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में किताब कोई प्रकाशित होता है तो उसका तरीका ये होता है कि वह किताब का जो लेखक है और प्रकाशक है ये राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं, उनके हाथ में किताब देते हैं, उसका फोटो निकाला जाता है और माना जाता है कि राष्ट्रपति के हाथों से किताब का विमोचन हो गया। लेकिन यह जो हमारा किताब का विमोचन हो गया वह राष्ट्रपति के हाथों से या राष्ट्रपति के ऑडिटोरियम में मैंने जो नाम लिए उनके सबके भाषण के साथ हुआ, और इसलिए ये शायद पहला अवसर है कि एक भाषा का किताब
चार भाषा में अनुवादित हो गया और वह राष्ट्रपति भवन में हो गया, यह तो एक नया इतिहास जैसा बन गया है, इसका भी एक बात है। और इसका मुझे भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। और ये जो जिन्होंने इस प्रकार का अनुवाद करने में सहयोग दिया है, आज यहाँ उर्दू के लोग हैं इसलिए मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, लेकिन हिंदी हो, गुजराती हो, अंग्रेजी हो, एक से एक बढ़कर इस प्रकार का भाषांतर हुआ है। और मुझे भी जीवन का एक ये सुंदर अध्याय लगता है कि ये किताब जो मैंने कहा था भाई मैं नहीं लिखूँगा, लेकिन उन्होंने जरा मुझे पुराना बीजेपी वाला हूँ करके छेड़ दिया, तो उनको छेड़ने के लिए भी मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं ये कहाँ से लिखता। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से ये काम किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भी कुछ बातें बोलते बोलते यहाँ हुई उसके उसमें से तीन बातें मैंने लिख के लिए है कि जिसके बारे में मुझे भविष्य में और कुछ करना होगा। और इसमें से मैं एक तो निश्चित करूँगा कि मैंने जैसे यहाँ आने के बाद, इसके पहले कोई गवर्नर ने कभी वार्षिक रिपोर्ट नहीं दिया था, लेकिन मैं 78 में जब पहले दफे चुनकर आया विधायक के नाते, तो 78 से 2014 तक मैं हर साल जो भी काम करता था उसका रिपोर्ट बनाता था और मतदाताओं को देता था। फिर यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि वो मैं चालू करूँ, और इसलिए जब विधायक था तो हमारे रिपोर्ट का नाम होता था विधानसभा में राम नाईक, लोकसभा में गया तो लोकसभा में राम नाईक, तो फिर यहाँ आने के बाद बनाया तो राजभवन में राम नाईक करके हमने बनाया। दो साल पूरे हो गए, अब तीसरा साल 22 जुलाई को पूरा होगा, और 22 जुलाई को जब तीसरा वर्ष का मैं अहवाल बनाऊंगा उस समय पर हिंदी के साथ ही साथ उर्दू में ये मेरा अहवाल बनाऊंगा, यह निश्चित मैं आपको कह सकता हूं कि वो मेरे हाथ में है और मैं वह निश्चित तौर पर करूंगा। विश्वविद्यालयों में 26 विश्वविद्यालयों का मैं कुलाधिपति हूं, और इसलिए सुझाव भी ये आया कि विश्वविद्यालयों में भी उर्दू का पठन पाठन के लिए एक मुहिम कैंपेन जैसे चलाई जाए। मैं निश्चित तौर पर इस कुछ विश्वविद्यालयों में है ही, लेकिन बाकी के विश्वविद्यालयों में भी अगली जो मैं हर 6 महीने में जो कुलपति है उनकी मीटिंग करता रहता हूँ, और इसलिए ये जो अगली मीटिंग हमारी 2 महीने के बाद होगी उसमें इस विषय पर गंभीरता से एक आइटम ऑफ एजेंडा करके सभी को मैं आग्रह करूँगा कि आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और मुझे विश्वास है कि एक पढ़ने के लिए सुविधा यदि दी जाती है तो निश्चित तौर पर वो हाजी अच्छा मुझे लगा कि आप कहते हैं कि परीक्षा नहीं ली जाए खाली पढ़ाया जाए तो नहीं नहीं मुझे तो लगता है कि जैसा होता है ना कि विद्यार्थियों को एनसीसी है, कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन एनसीसी में जाए तो फायदा हो सकता है। उसी प्रकार से हर विश्वविद्यालय में उर्दू पढ़ाया जाए और उर्दू पढ़ाने के बाद उसका लाभ कैसे उसको मिले यह भी सोचा जा सकता है। यानी इंजीनियरिंग में भी सिखाओ ना नई भाषा, एक दूसरी भाषा सीखने का बहुत बड़ा लाभ होता है। और इस भूमिका में विश्वविद्यालयों में कैसे उर्दू अधिक पढ़ाई जाए ये मैं देखूंगा। और तीसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक्ट बनाया है दूसरी भाषा के नाते उसका अमल नहीं होता है, अब तो प्रदेश जा रहा है विधानसभा के चुनाव की ओर। और अभी के सरकार को भी मैं जो आज चर्चा हुई है उसके संदर्भ में मैं लिख दूंगा कि भाई ये आज इस किताब के विमोचन के कारण जो चर्चा हुई
इसमें से ये विषय आया है तो आप भी उसका विचार करें। और मैं भी जानता हूँ कि सरकार कोई भी आए, अभी के आए, अभी की पार्टी के आए, दूसरी की पार्टी के आए, विधानसभा का चुनाव होगा और सरकार कोई भी आएगा, मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ तो उस भूमिका में यह बात मैं आगे ले जाने की भी कोशिश करूँगा। और इस भूमिका के साथ यह जो चरैवती चरैवती शब्द का उपयोग तो हुआ, चलते रहो इस बात की जानकारी भी दी गई, लेकिन वह जो मूलतः संस्कृत श्लोक है उसका जो अर्थ है वह अर्थ बताकर मैं मेरा भाषण पूरा करूँगा। वह श्लोक जैसे बताया गया है कि 4000 साल के संस्कृत के ऐतरेय ब्राह्मण में है, लेकिन वो श्लोक ऐसा कहता है कि जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो खड़ा होता है उसका भाग्य भी खड़ा होता है, आगे दिखता है, जो सोया है उसका भाग्य भी सो जाता है। और इसलिए हे मानो तुम चलते रहो चरैवती और चरैवती। और उसके बाद का जो श्लोक है वह तो और अधिक सुंदर उदाहरण है। वह श्लोक कहता है जैसे मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर मध इकट्ठा करती है, जैसे पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते हुए जाकर मीठे मीठे फल खाकर आनंद पाते हैं, जैसा ये सूर्य सुबह से शाम तक चलते चलते दुनिया को प्रकाश देता है, चेतना देता है और इसके लिए जीवन समृद्ध होता है, और इसलिए सूर्य को जगतवंद्य ऐसा माना जाता है, और इसलिए हे मानो तुम चलते रहो चरैवती चरैवती। हम सब मिलकर अब ऐसे दिन पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि चार दिन के बाद हम नए वर्ष 2017 में जाने वाले हैं। मैं आप सबको नए वर्ष की शुभेच्छा देता हूँ और आशा करता हूँ कि जीवन में हम सब मिलकर चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे।